हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा युवा 3 फ़ोन है, तो लावा युवा 3 फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की डिस्प्ले एड्स वगैरह को आप कैसे बंद कर सकते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले पे एड्स आ रही हैं बार बार और स्क्रीन पे एड्स शो हो रही हैं बार बार आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, तो आप उस स्क्रीन पर एड्स वगैरह को कैसे बंद कर सकते हैं और डिस्प्ले की एड्स को आप स्टॉप कैसे कर पाएंगे या फिर कैसे बंद कर सकते हैं लावा युवा 3 फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन एड्स वगैरह को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन एड्स को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में सेटिंग्स आ रही है और स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कैसे कर पाए हैं। सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो इसके लिए आपको सिंपली डिस्प्ले सॉरी ऐप सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से जिस भी ब्राउज़र से ऐप्स की एड्स है स्क्रीन पे शो हो रही है, तो उस ब्राउज़र्स का आपके अपने फ़ोन में आपको डाटा है यहाँ से डिलीट कर देना है एंड क्लियर कर देना है, जिससे आपकी जो भी एड्स वगैरह हैं आपके फ़ोन से स्क्रीन एड्स से रिमूव हो जाएंगी, हट जाएंगी, जो आपके फ़ोन पे शो नहीं करेंगी। तो इस तरीके से भी स्क्रीन एड्स को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं लावा युवा 3 फ़ोन में, और स्क्रीन एड्स को आप हटा पाएंगे फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रीन एड्स को रिमूव भी कर सकते हैं लावा युवा 3 फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर पाएंगे, और स्क्रीन एड्स को भी रिमूव कर सकते हैं लावा फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।